नमस्कार साथियों, मेरा नाम विकास है और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल विकास सर की मैथ क्लास में। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वह रोमन गिनती के ऊपर रहेगा। तो जैसे वीडियो वन में मैंने आप सभी को रोमन गिनती लिखकर दिखाई थी, लेकिन वहाँ पर शायद किसी को कुछ समझ नहीं आया होगा कि ये सर ने क्या लिख दिया, इसका क्या मतलब है। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वह रोमन गिनती लिखने के ऊपर आधारित रहेगा और इसके नियम के ये किस प्रकार से लिखा जाता है। तो रोमन गिनती को लिखने के लिए हमारे पास 7 अक्षर रहेंगे अंग्रेजी के, जो इसको याद करने के लिए हमने एक मैक्सिम बनाई हुई है। तो ये जो मैक्सिम है ये याद रखने का एक तरीका है। तो इसके लिए मैं आपको एक मैक्सिम लिखता हूँ, माई डियर कैट लव्स एक्स्ट्रा विटामिन्स इंटेंसली। तो देखें हमारे पास ये 7 बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 अक्षर जो हमने लिखे हैं, इसमें आपने ये नहीं सोचना कि सर ने एक्स्ट्रा के स्पेलिंग गलत लिख दिए, इसमें तो पहले ई आना चाहिए था। तो ये स्पेलिंग के तरीके से नहीं लिखा मैंने, ये याद रखने के तरीके से एक बनाया हुआ है। तो माई से हम लेंगे एम, डियर से हम लेंगे डी, कैट से हम लेंगे सी, लव्स से एल, एक्स्ट्रा से एक्स, वाइटामिन से वी और इंटेंसली से आई। तो आप देखेंगे हमारे पास 7 अक्षर आ गए अंग्रेजी के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो हमारा रोमन गिनती का लिखने का तरीका रहेगा वो इन 7 अक्षरों के ऊपर, अंग्रेजी के इन 7 अक्षरों के ऊपर ही आधारित रहेगा। तो एम हम यहाँ शुरू करते हैं, ये 1 को दर्शाता है आई, ये 5 को दर्शाता है, ये 10 को दर्शाता है, L 50 को दर्शाएगा, C 100 के लिए है, D 500 के लिए है, M 1000 के लिए है। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएं, तो आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि जो हमारे अब आगे गिनती लिखी जाएगी उसमें जो नियम लगने वाले हैं वो मैं नियम के बारे में बात करूंगा। तो उस वो नियम और ये सारे अंग्रेजी के जो अक्षर हैं, इंग्लिश के जो अक्षर हैं, इनको मिला के ही हमारी रोमन गिनती आगे चलेगी। एक तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत रोमन गिनती के बारे में ज्ञान है उनके लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जब भी रोमन गिनती हम लिखते हैं तो एक गलती करते हैं हम लोग। वो गलती क्या है कि जैसे ये लगाया, इस तरह से चिन्ह लगाया, इस तरह से लगाया, और फिर हम ऐसे कर देते हैं उनके ऊपर नीचे ऐसे, जो कि बिल्कुल गलत है। रोमन गिनती के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप इन अक्षरों के ऊपर ये डंडे का चिन्ह लगाएं, ये बिल्कुल गलत है। हम इनको बिल्कुल ऐसे लिखेंगे इस प्रकार से, इनके ऊपर नीचे कोई डंडे का चिन्ह नहीं लगेगा। तो एक तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो नियम लिखने के लिए इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूं एक बार, तो जो हमारा पहला नियम है उसके बारे में ध्यान करेंगे। वो नियम ये है कि जो V, L और D हैं, V, L व D को केवल एक बार लिखा जा सकता है।
एक नियम तो ये हो गया। तो ये एक बार लिखा जा सकता है, इसका मतलब मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा जब हम उधार लेंगे। तो दूसरा नियम इसका है कि जो I, X, C व M हैं, इन्हें तीन बार या यूं कहें कि अधिक से अधिक तीन बार लिख सकते हैं। तो ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम ये है कि किसी भी छोटे अक्षर को बड़े अक्षर के बाई और लिखने पर घटाना माना जाता है वह छोटे अक्षर को बड़े अक्षर के दाईं ओर लिखे जाने पर जोड़ना माना जाता है। तो इन तीन नियम को आप लिख लें वीडियो को रोक करके, और इसके बाद मैं आगे के जो नियम हैं वो बोर्ड को साफ करके लिखूंगा। तो वीडियो को रोक लें और इसको लिख लें। अब देखो, पहले नियम में मैंने लिखा था कि V, L और D को एक बार लिख सकते हैं। तो इसी के बारे में एक नियम है कि V, L और D को, V, L व D को किसी भी अक्षर में से घटाया नहीं जा सकता। या यूं कहें कि जो V, L और D है वह किसी भी अक्षर के बाईं ओर में नहीं लिखे जा सकते। दूसरा जो पांचवा नियम है वो ये है कि I को, तो इसको लिखने से पहले मैं यहां पे आ जाता हूं। देखो, इसको और इसको तो और इसको हम घटा ही नहीं सकते। ये जो V, L और D है तो एक ही बार लिख सकते हैं, दूसरा इनको घटा नहीं सकते किसी में से भी। तो यहाँ पर नियम ये बनता है कि जैसे पहला अक्षर है तो पहला अक्षर जो है वो इन दोनों को में से घटाया जाएगा। जैसे ये है तो ये इन दोनों में से घटाया जाएगा। तो हम लिखते हैं आई को वी व एक्स में से घटाया जाता है, एक बात। उसके बाद
आप देखोगे कि वी को तो घटाया ही नहीं जा सकता, तो उसके बाद कौन सा अक्षर इसको घटाया जा सकता है? फिर ये आपका एक्स आ गया, एक्स। अब इस एक्स को अगले दो में से घटाया जा सकता है, एक्स को इन दो में से घटाया जा सकता है, एक्स को एल व सी में से घटाया जा सकता है। तो आप देखोगे कि जो एक्स है, क्योंकि एक को घटाया जा सकता था तो एक अगले दो में से घट जाता है, लेकिन एक के बाद जो वी है यानी कि जो पाँच है वो घटाया नहीं जा सकता, तो उससे बाद जो नेक्स्ट अक्षर आता है अंग्रेजी का अगला अक्षर एक्स है, जिसको किस में से घटाया जा सकता है? वो भी अपने अगले दो अक्षरों में से घटाया जा सकता है। फिर उसके बाद बात आती है कि अब L नहीं घटाया जा सकता, अब हमारा C घटाया जा सकता है। तो C किस में से घटाया जा सकता है? C उससे नेक्स्ट अगले जो दो बड़े अक्षर हैं, क्योंकि हमने सीखा था कि छोटा अक्षर बड़े अक्षरों में से घटाया जा सकता है, तो यहाँ पर C जो है अगले अपने दो इससे बड़े अक्षर हैं D और M, उनमें से घटाया जा सकता है। C को D व M में से घटाया जा सकता है। तो एक आठवां नियम और लिख लो, किसी भी छोटे अक्षर को बड़े अक्षर में से केवल एक बार घटाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा ये V है, तो V का मतलब पांच है और ये एक है आई का मतलब, तो जैसे मैं यहाँ लिखूँ वी, तो ये तो पाँच है, अगर मैं इसके इधर लिख देता हूँ इसको, तो ये हमारे पास एक घट गया और ये हो गया चार, तो इसको हम लिखेंगे चार। तो अभी मैं कुछ संख्याएं लिख के दिखाऊंगा, तो उनमें हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो आप इनको एक बार लिख लें, तो इसका एक नियम और रहेगा वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले गिनती हम लिख के देखेंगे। तो वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करने के बाद इसको नियमों को लिख लें, और नियम लिखने के बाद इसको ध्यान से पढ़ लें, अपने कॉपी में नोट कर लें, और फिर हम इससे आगे चलेंगे जिसमें हम संख्याओं को बनाना सीखेंगे। कई बच्चों का प्रश्न आता है कि जैसे V, L और D को तो हम घटा नहीं सकते, तो हम एक को घटा सकते हैं, हम 10 को घटा सकते हैं यानी x को, हम c को घटा सकते हैं यानी 100 को घटा सकते हैं, तो हम m को क्यों नहीं घटा सकते? तो आप लोगों ने ध्यान किया होगा, मैंने एक नियम लिखा था कि छोटे अक्षर को बड़े के बाईं ओर लिख के घटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इन अक्षरों को देखेंगे तो m जो है हमारा इन अक्षरों में सबसे बड़ा अक्षर है, तो इसलिए m को बाकी अक्षरों में से कैसे घटा पाएंगे, क्योंकि वो तो छोटे अक्षर हैं, तो इसलिए m जो है लास्ट में हम उसको छोड़ते हैं, वो नहीं घटाया जा सकता, सिर्फ a यानी i, x यानी 10 और c यानी 100 को हम अगले दो दो में से घटा सकते हैं। तो ये एक चीज ध्यान रखनी है। अब चलिए हम अक्षर बनाते हैं, हम देखते हैं, जैसे ये तो हो गया एक, एक डंडा यानी एक, फिर ये जब दो डंडे लगाएंगे तो इसका मतलब है दो, और जब तीन डंडे लगाएंगे तो इसका मतलब है तीन। तो हमने एक नियम लिखा था कि किसी भी अक्षर को तीन से अधिक बार नहीं लिख सकते, तो उसका यह मतलब है कि जैसे अब ये तीन है, तीन डंडे हैं, तो ये तीन को दर्शाएंगे, अगर मुझे चार लिखना है तो मैं ऐसे करके चार डंडे नहीं लगा सकता, क्योंकि नियम क्या कहता है कि हम तीन से अधिक किसी भी अक्षर को, तीन से अधिक बार किसी भी अक्षर को नहीं लिख सकते, तो यहां हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। तो अब क्या नियम रहेगा, अब देखिए चार के लिए अब लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं पांच, तो पांच है ये वी, तो अब अगर हम
चार लिखना चाहते हैं तो हम इस वी के बाईं ओर एक डंडा लगाएंगे और एक डंडे का मतलब एक है, तो जब हम इसके वी के बाईं ओर एक डंडा लगाते हैं तो इसको घटाना कहा जाता है, यानी पांच में से एक को घटा दिया गया और पांच में से एक को घटाया तो कितना आएगा चार। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे छ, तो ये मैंने उल्टा पलटी कर दी तो मैं दोबारा लिख देता हूं पांच इधर और ये वी इधर। तो अब हम लिखते हैं छ, तो जैसे अब हमारे पास वी का मतलब पांच है तो अगर हम बी के बाईं ओर एक डंडा लगाएंगे तो ये एक डंडा यानी पांच में एक जोड़ना माना जाएगा, तो इसको हमें ध्यान रखना है पांच जमा एक छह। इसी प्रकार जैसे हम सात लिखना चाहते हैं तो देखो पांच बी के लिए पांच है और दो के लिए यहां दो डंडे हैं यहां पर, तो ध्यान करेंगे अगर बी के हम दो डंडे लगाएंगे तो यहां पर हम इसको सात मान लेंगे। अब मैंने एक नियम कहा था कि जैसे हम किसी भी बड़े अक्षर के जो बाईं ओर है वो एक ही बार घटा सकते हैं, यानी एक बार घटाने का मतलब ये चार हो गया। अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये गलत है, ये गलत है क्योंकि ये इसका मतलब हम चार नहीं मान सकते, इसका हम तीन नहीं मान सकते क्योंकि तीन के लिए क्या है तीन डंडे हैं, तो पांच में से दो नहीं घटा मान सकते हम, पांच में से एक ही डंडा लगेगा दो डंडे नहीं लग सकते। तो ये नियम मैंने लिखा था वहां पर, आप पढ़ोगे दोबारा से कि किसी भी बड़े अक्षर के बाईं ओर किसी भी अक्षर को एक ही बार लिखा माना जा सकते हैं, दो बार नहीं घटा सकते। तो इसके बाद जब हमने आठ लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, आठ में हम लिखेंगे कि ये हमारे पास पांच है और तीन हमारे पास ये है, तो तीन के लिए हम इसके यहां तीन डंडे लगाएंगे तो ये बन गया हमारा आठ। अभी नौ लिखने से पहले मैं दस लिख देता हूं। अब आप देखो दस के लिए हमारे पास चिन्ह है एक्स, दस के लिए हमारे पास यहां पर चिन्ह है एक्स, तो हम यहां से दस लिखेंगे। अब दस के लिखने के लिए दस को तो हमने एक्स लिख दिया, अब नौ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, नौ लिखने के लिए जैसे हमने एक्स लिखा, एक्स के बाईं ओर अगर हम एक लगा देते हैं तो क्या होगा हमारे पास एक को घटाया माना जाएगा और ये हमारा आ गया नौ। तो वैसे भी मैंने आपको नियम बताए थे, दोबारा से पढ़ लेना एक बार कि आई हमारा जो है पांच और दस में से घटता है, तो इसीलिए यहां दस में से आई घटा और यहां पांच में से आई घट के चार आया, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे नियम। अब दस के वजह से हमने लिखना है ग्यारह, अब ग्यारह कैसे लिखें, तो बहुत ही आसान है। देखो ये दस है तो दस हमने यहां लिख लिया और दस फिर एक जोड़ेंगे तो क्या आ गया ग्यारह। इसी प्रकार मान लो हमें बारह लिखना है तो दस ये है और दो के लिए क्या है ये दो डंडे के लिए बारह। तेरह लिखना है तो तेरह के लिए क्या रहेगा हमारे पास ये दस रहेगा और तीन डंडे तेरह, समझ आ रहा है आपको। तो इसके बाद चौदह लिखना है, मान लो हमने चौदह के लिए क्या करेंगे ये दस है और चार के लिए क्या है ये हमारे पास है तो इसके बन गए चौदह। इसी तरह हमने पंद्रह लिखना है तो ये दस है और दस पांच ये है हमारे पास तो क्या बन गया पंद्रह। तो अगर हमें सोलह लिखना है हम क्या करेंगे, हम ये दस लिखेंगे और छह जो है छह के लिए जो ये हमारे पास बना हुआ है इसको यहां लिख देंगे सोलह। फिर हमने सत्रह लिखना है तो उसके लिए दस है और सत्रह सात के लिए हमारे पास ये है इसको हम लिख देंगे यहां पर सत्रह। अठारह लिखना है तो दस और दस के साथ आठ के लिए क्या है ये आठ के लिए हमारे पास, तो इसको इसके आगे जोड़ लिखेंगे तो आगे लिखने का मतलब है इनको हम जोड़ रहे हैं दस में। इसी प्रकार हमें उन्नीस लिखना है तो हम क्या लिखेंगे दस लिखेंगे और नौ के लिए हमारे पास ये है तो इसको हम यहां पर लिखेंगे तो ये बन गया उन्नीस। और बीस के लिए हम क्या करें, तो देखो हमने आपको बताया था कि वी एल और डी को तो हम एक ही बार लिख सकते हैं लेकिन यहां पर जो एक्स है उसको हम तीन बार तक लिख सकते हैं, तो x 10 और इसके आगे 10 और लिखें तो 10 और 10 कितना बन गया 20। तो इसको एक बार ध्यान से आप लोग देखें, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें और फिर हम इसके आगे चलते हैं। तो आगे चलने में बड़ा आसान है, अब आप ध्यान दोगे कि ये हो गया मेरा 20, 10 और 10 20। अब अगर मुझे आगे चलना है तो मैं लिखूंगा 21, अब 21 लिखने के लिए क्या रहेगा ये तो 10 था और एक 11, अगर मैं यहां लिखूं इसको 10 और 10 कितना बन गया 10 और 10 20 और एक आगे लग गया 21। इसी तरह 10 और 10। अच्छा एक चीज और आप कहोगे जी ये 10 है और इसके 10 इधर लगा दिया आपने तो ये तो घटना जीरो हो गया, ऐसा नहीं है। बराबर के अक्षर
साथ में इसके बराबर का अक्षर अगर हम इसके इधर रखते हैं तो ये दोनों अक्षर हम यूज कर सकते हैं, ये अक्षर जो है इसके दाईं ओर है, ये भी तो कह सकते हैं ना। तो इसलिए बराबर में से बराबर नहीं घटाते हम, यहां पर बराबर में बराबर जुड़ता है। तो 10 और 10 20 20 और 2 22, तो इसी प्रकार ये 20 है, देखो यहां 20 हो गया, 20 और 3 23, 1 2 3 सब में वही चलेंगे, 1 2 3 ये आपने याद रख लेने हैं बस, उसके बाद जो 20 आएगा तो 20 के आगे चलेगा, 30 आएगा तो 30 के आगे चलेगा। इसी प्रकार 20 और 4 24, 20 और 5 25, 20 और 6 26, 20 और 7 27, 20 और 8 28, 20 और 9 29, और अब हम 30 क्या करें, तो हमने पढ़ा था कि किसी भी अक्षर को 1, 10 और 100 को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 3 बार लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा देखो एक्स एक्स पर एक्स कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, तो इसलिए ये बन गया हमारा 30। तो इसको ध्यान से अपनी कॉपियों में नोट करें और इसको एक बार रीडिंग लें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब देखो हमें बनाना है 30 से आगे, तो बड़ा ही आसान। अब हम क्या करें, अब देखो हमारा ये 30 है यानी कि 3 बार बस, अगर हम यहां 3 बार ऐसे लिखे एक्स 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 यानी 30, 30 और 1 31, उसके बाद ये एक्स 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 यानी 30, 30 और 2 32, इसके बाद ये एक्स 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 यानी 30 और 3 33, उसके बाद 30 और 4 34, 34 ऐसे ही ये एक्स हमने जैसे लगा दिए सारे, तो आप देखेंगे 3 3 बार जब एक्स लगाया तो क्या बन रहा है, 30 और 4 6 36, 30 और 5 35, 30 और 4 34, 30 और 6, 30 और 7 37, 30 और 6 36, और 30 और 7 37, 30 और 8 38, 30, ये देखिए 3 बार एक्स यानी 30 और ये 9 39। अब बात आ गई 40 की, तो 40 कैसे लिखें, तो 40 हम ऐसे नहीं फिक्स करेंगे, हाँ 4 बार ऐसे लिख देना, एक बार दोबारा नियम को पढ़े, वहां पर लिखा था किसी भी अक्षर को 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते, तो हम एक्स को 4 बार नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। तो क्या करें, तो इसके लिए देखें यहां पर आए, जो एल है वो 50 है, एल कितना है 50, और हमने लिखा था कि जो एक्स है वो अपने से अगले 2 वालों में से, एक्स जो है अपने से अगले 2 वालों में से घट सकता है, तो हम क्या करेंगे एल में से 10 को घटाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे एल, ये हमारा हो गया 50, और 10 इसके अगर बाईं ओर लिखा जाएगा तो ये 10 इसमें से घटा हुआ माना जाएगा, इससे आ गया 40। तो 10 को x में से घटा, l में से 10 को घटा दिया यानी x को घटा दिया तो 40 आ गया हमारा। अब हमने आगे गिनती लिखी है मान लो, तो इससे पहले मैं आगे चलूं तो आप लोग इसको ध्यान से लिख लें, नोट कर लें, और फिर हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे एक्स एल मतलब 40 है, अब हम ऐसे लिख रहे हैं एक्स एल 40, एक्स एल एक्स एल एक्स एल एक्स एल। अब देखो एक्स एल के आगे 1 लगाएंगे यानी 40 के आगे 1 लगाएंगे तो क्या होगा, 1 जोड़ दिया यानी कि 40, इसमें 2 जोड़ दिए 40 में ये हो गया 42, इसमें 3 जोड़ दिए, देखो हमने लिखा हुआ है 3 4 5 6, तो एक्स एल यानी 40 में 3 जोड़ दिए 43, उसके बाद इसमें 4 जोड़ दिया, 4 के लिए हमारे पास ये अक्षर है बना हुआ, तो ये हो गया 44, तो यहां पर क्या हो गया 5 जोड़ दिया 45, और इसमें क्या करेंगे 6 जोड़ दो 46, इसमें 7 जोड़ दो 47, इसमें 8 जोड़ दो 48, उसके बाद ये हमारा क्या है एक्सर 40 और 49 जोड़ दो 9, इसके लिए ये है ठीक है, ये बन गया 49। और अब हम 50 करते हैं, तो 50 बड़ा आसान है, एक्स हटा दो यहां से, वहां से देख सकते हो एल किसके लिए है 50 के लिए, तो ये हो गया हमारा 50। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये गिनती जो है अच्छे से समझ आई होगी, तो इसको नोट करें और फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो एल यानी 50, तो अगर हम यहां से ऐसे लिख लें एल 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 एल,
अगर हम ऐसे लिखते चले जाएंगे तो ध्यान से देखेंगे, ये तो 50 हो गया, 50 और एक 51, क्योंकि इसके दाई और एक लिख रहे हैं तो जमा माना जाएगा। इसके यहां दो जोड़ दो तो ये 52, इसके यहां तीन जोड़ दो तो ये 53। देखो एक से मैं बार बार कह रहा हूं कि एक से लेकर 10 तक हम याद कर लिए हुए हैं, एक से लेकर 9 तक 10 तक हमारे पास है, तो इनको सिर्फ जोड़ना है या घटाना है। तो यहां पर इसके चार लिख रहे हैं, चार के लिए हमारे पास देखो ये है, तो यहां से 54, यहां 5 जोड़ दिया ये 55, यहां पर ये 6 जोड़ दिया तो ये 56, यहां 7 जोड़ दिया तो ये 57, यहां 8 जोड़ दिया ये 58, और यहां ये 9 जोड़ दिया तो ये 59। और अब 60 कैसे लिखें, देखो एल है 50 और इसके आगे 10 जोड़ दें, 10 लिखा तो जुड़ा हुआ माना जाएगा, तो ये हो गया हमारा 60। इसको नोट करें और ध्यान से समझें। तो अब इसे आगे चलते हैं, तो आगे चलना बड़ा आसान है, तो कैसे चलेंगे आगे देखो। अब अगर मैं इसको हटा दूं, यहां से हटा देता हूं एल को हटा देता हूं, तो आप देखोगे जो 7 है वो एलएक्स है, एलएक्स ये 7 है। तो अगर मान लो मैं यहां एलएक्स लगा दूं तो देखो 60 और 1, 7 जमा 1 कितना हो गया 61। थोड़ा साफ करके लिखता हूं दोबारा से, तो देखो 61 62 के बाद 64 65 66 67 68 69 और इसके बाद आएगा 70। तो इनको अपनी कॉपी में नोट कर ले। अब और 70 के लिए क्या था, ये दो बार ऐसा है, तो हम क्या करें, देखो ये दो बार एक्स करना है। ये यहां तक जो बनता है ये 70 है, ये 70 है, ध्यान रखें 70 और 1 जमा 1 कितना बन गया 71, 70 और 2 72, 70 और 3 73, 70 और 4 74, 70 और 5 75, 70 और 6 76, 70 और 7 77, 70 और 8 78, 70 जमा 9 80, और 80 ऐसे लिखें, देखो 10 10 10 तीन बार 10 को लिख सकते हैं, x को तीन बार लिख सकते हैं, ये हो गया 30। और यहां हमारे पास जो है l, यानी 50 और उसके आगे 30 लिखने से बन जाएगा ये 50 और 30 80, ये हो गया 80। तो इसे नोट करें और उम्मीद है कि समझ आया होगा, तो आगे चलता हूं। देखें ये 80 ये है, ये है 80, तो हम यहां पर 80 लिख लेते हैं पहले, तो देखो 80 के आगे ये एक जोड़ेंगे, 80 और ये एक तो कितना बन गया 81, 80 के आगे ये दो जोड़ेंगे यहां पर, दो इसके आगे लिख देते हैं कितना हो गया 82, 80 के आगे ये 3 लिखे हैं तो कितना बन गया 83, ये 80 और ये 4 है इसके आगे लिखे हैं तो ये 84, ये 80 और ये 5 85, ये 80 और ये 6 के लिए किन है 86, ऐसे ही ये 7 लिखे हैं यहां 87, ऐसे ही यहां, अब देखिए 9 के लिए ये है 9, ये 89 सॉरी अभी 8 रह गया, ये 8 और ये 88,
और अब आएगी बात 89 की, तो ये हमारा हो गया 80 और ये रह गया 9, तो 89, तो 89। और अब बात आती है 90, तो 90 में क्या करें, तो 4 बार 10 थोड़ी लिखेंगे हम, 4 बार तो हम लिख ही सकते। तो अब हम देखते हैं 100, ये है हमारा 100, तो देखो जो सी है वो 100 है और एक्स जो है एल और सी में से घटाया जा सकता है, तो अगर सी यानी 100 में से ये 10 यानी एक्स को घटा दें तो कितना बनेगा 90, तो हम यहां लिखेंगे सी 100 के लिए और इसके बाईं ओर एक्स लिखेंगे तो ये 10 जो है 100 में से घटाया हुआ माना जाएगा जिसको हम 90 कहेंगे। तो इससे आगे इसको नोट करें और इससे आगे बड़ा आसान है, अब आप देखोगे 90 कितना है, x और c जो है 90 है, ठीक है, ऐसे मैं इसको लिख देता हूं xc। अब देखो ये सारे 90 हैं, अब 90 में एक जोड़ी यहां तो ये बन गया 91, 90 में ये दो जोड़े आगे से लिखें ये बन गया 92, 90 के आगे 3 लिखें तो ये बन गया 93, 90 के आगे 4 लिखें तो ये बन गया 94। तो यहां से देखते रहे आप 1 से लेकर 10 तक यहां से देखते रहे, तो 90 के आगे 5 लिख दिया 95, 90 के आगे ये 6 लिख दिया तो 96, 7 लिखा 97, 8 लिखा 98 और इसके आगे 9 लिखा तो 99 यानी 99 और फिर आगे 100 की बात, तो 100 में सीधा है 100 आप देख सकते हो यहां सी जो है वो 100 है, 100 ध्यान से लिखे इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये हो गया 100। तो उम्मीद है आपको 100 तक रोमन गिनती लिखनी आ गई होगी, इसके नियम को कम से कम 6-7 बार पढ़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर भी कुछ समझ नहीं आता कुछ रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अब आप इसको यहां तक लिखें, अब मान लो हमें आगे गिनती बढ़ानी है तो हम क्या करें, तो बड़ा आसान है, अब देखो 100 क्या है, ये 100 है सी, सी के आगे 1 लगा दें तो क्या बन गया 101, सी के आगे 2 लगा दें तो क्या बन गया 102, सी के आगे 3 लगा दें तो क्या बन गया 103, उसके बाद सी के आगे 4 लगा दें तो क्या बन गया 104, ठीक है 105, 106, 107, 107, इस प्रकार से गिनती को हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये गिनती हमारी चलती रहेगी। अब जैसे हमने लिखना है मान लो 149 लिखना है तो वहां हम क्या करेंगे, जो हम 150 लिखेंगे पहले, 150 कैसे लिखेंगे, 150 जो है अब देखो सी कितना है 100 और 50 के लिए हमारे पास क्या है L, तो ये हो गया हमारा 150 क्योंकि छोटे को बड़े के दाईं ओर लिखा गया है तो इसे जोड़ना नहीं है, अब ये तो 150 है। अगर हमें क्या करना है, अब जैसे हम देखेंगे ये हमारा 40 है और ये हमारा 100 है, तो ये 140, 141, 140, 141, 142, 143, 144, 144 के बाद 145, 146, 147, 148 और 149, ठीक है जी, और ये आ गया हमारा 150, तो C और जो L हमारा रहेगा वो 150 रहेगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 149, 150, तो बच्चों को यहां जाके थोड़ी सी परेशानी लगती है वो ध्यान करना है। और अब मान लो मुझे लिखना है 190, तो मैं क्या करूं,
तो बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, बी ये तो हो गया जी 200 और यहाँ ये लिख दिया 10, तो 200 में से 10 घट गए जी, ये हो गया 190। तो आप लोग ध्यान करो कि क्या ये ठीक है या नहीं है। तो अगर हम 100 तक की गिनती में जाके देखें तो ये हो गया 90, ये 90 के लिए चिन्ह था। तो क्या हम 100 में से 90 घटा सकते हैं सीधा? तो ये तो गलत हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये तो है 100 और 90 के लिए जो ये चिन्ह है ये इसके आगे लगाना पड़ेगा हमें। तो इस प्रकार से ये हमारा बन गया 190। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान करनी पड़ेंगी, 1 से 100 तक ध्यान रखनी है भाई। अगर 90 के लिए चिन्ह है, ये चिन्ह है, तो हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि 200 मान लें और 200 के पीछे 10 घटा दिया तो ये हमारा 190 हो गया, नहीं ये गलत रहेगा। तो हमें क्या करना है, 100 और 100 के आगे 90, छोटे वाला, छोटे वाला ये चिन्ह है तो ये 90 है, 100 में 90 जोड़ेंगे तो 190 हो गया। इसी तरह इससे पहले मान लो हमें 189 लिखना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास 180 क्या बनेगा, पहले तो देखो, तो जैसे हमारा ये 50 है और ये हमारा 80 है, ठीक है जी। अब ये 80 है और 80 अगर इसके यहाँ हम ये लिखें पहले 100, तो ये जो 80 है ये 100 के दाईं ओर आ गया, यानी कि 180 हो गया। अब 180 में हम क्या करें, 180 अब 9 और जोड़ें, तो 9 का चिन्ह ये है, ये 9 का चिन्ह है और ये 30 और ये 50 और 30 80 और 9 89। तो हम देखेंगे जब 1 से 100 तक की गिनती हमने 89 लिखा था तो ऐसे लिखा था ना 89, तो 100 के दाईं और जब हम 89 लिखेंगे तो ये हमारा 189 हो गया। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब 199 कैसे लिखें, अब जैसे मान लो ये है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 190 है, तो 90 के आगे जैसे हम यहाँ 9 लगाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 199 यानी 199। इसी प्रकार जैसे 200 हो गया हमारा, ये 200 हो गया, सी और सी 200, अब 201 लिखना है तो 201 इस तरह से लिखेंगे। अब मान लो 209 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 209 ये सी और ये सी और ये 9 हो गया, 209 हो गया हमारा। इसी प्रकार से मान लो हमें 250 लिखना है तो वो क्या बनेगा, ये सी और सी 200 हो गया और इसी हम क्या लगाएं, एल, एल 50 के लिए, तो 250 हो गया। ऐसे ही मान लो हमारे को लिखना है 290 कैसे लिखें, तो पहले तो हम देखें कि 200 क्या है, तो 200 तो हमारा ये है और फिर हमने जैसे यहाँ पर 100 के साथ 90 लगाया था तो हमारा 190 बना था। अब ये 100 है, 100 और 100 200 है, 200 के साथ हम ये 90 लगाएं तो यहाँ पर देखो ये 90, 200 के आगे 90 लग गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारा 290। अगर 300 लगाना है तो सी 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 तीन बार लिख दिया 300, क्योंकि तीन बार हम लिख सकते हैं आई को, एक्स को, सी को और एम को। तो इस प्रकार से हम अपनी गिनती को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा कि हम इनको रोमन गिनती को कैसे लिख सकते हैं। तो फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है, किसी को कोई पार्ट समझ नहीं आया, कोई भाग समझ ना आया हो, तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दे, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको और अच्छे तरीके से समझाया जा सके। तो देखने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो वो नियम आपके ध्यान से देखना है। तो वो नियम क्या है, अब जैसे देखो ये हमारा 5 है, ये तो है 5, लेकिन अगर मैं इस 5 के ऊपर ऐसे एक बार लगा देता हूं तो ये जो 5 है इसको 1000 से गुणा माना जाएगा, तो ये बन गया आपका 5000, यानी बी बार का मतलब हो गया 5000। ऐसे ही मान लो ये 10 है और 10 के ऊपर मैं बार लगा दूं तो इसको 1000 से गुणा माना जाएगा, यानी 10 × 1000, क्योंकि x का मतलब 10 है और इस बार लगाने का मतलब है इसको 1000 से गुणा करना है, तो ये बन गया 10000। तो यानी x बार का मतलब हुआ 10000, और जैसे 1 का मान लो मैं 1 लिख दूं तो 1 के ऊपर बार लगाऊं तो कितना हो जाएगा, 1000, 1 × 1000 मतलब 1000। ऐसी मान लो l है, l कितना है हमारा, l हमारा 50 होता है, लेकिन जैसे हम इसके ऊपर बार लगाते हैं यहां पर, तो बार लगाने का मतलब है 50 × 1000,
ये बन गया आपका 50,000, ठीक है जी। और मान लो सी है, सी हमारा है 100। अब सी के ऊपर अगर बार लगाया जाए तो इसको 1000 से हम गुणा मानेंगे, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 1,00,000, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ध्यान देना है कि अगर हम इनके ऊपर बार लगाते हैं तो ये 1000 से गुणा माने जाते हैं, ध्यान देना। तो ये चीज एक जो है, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ बच्चों को पता हो, और कुछ कुछ जिनको नहीं पता वो इसका ध्यान करें, तो इसको आपने नोट कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है रोमन गिनती के ऊपर, ये आपको समझ आ गया होगा। तो अगर फिर भी नहीं समझ आता तो आप जाएं और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें, और अगर आपको लगता है कि आपका वीडियो ये जो है आपके काम का है, आपको इसमें से कुछ समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।